गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं, अपनी गाड़ी यहां खड़ी कर दी है और अभी पहुंच चुके हैं भाई निकल रहे हैं। तो देखो भाई एक बार। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीएसएम ब्लॉग्स। और फिलहाल मेरा चैनल का नाम चेंज हो चुका है, यूके 02 जीएसएम ब्लॉग्स। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं एक छोटी सी ट्रिप पे, आपको अभी नहीं बता रहा मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो उसकी एक दो चार पांच वीडियोस आएंगी, आपको उसको देखना आपको अच्छा लगेगा। तो अभी टाइम हो चुका है सुबह के 6:30 हो चुके हैं ना, 6:30 हो चुके हैं और इसी के साथ अभी निकल चुके हैं। अभी हम तेल भरा रहे हैं यहाँ पे, पिंक है प्राशु भी यहाँ पे तिल बना रहा है। फिलहाल अभी रेडी हो चुके हैं हम, सुबह उठ गए थे, सुबह से हम एक घंटा इनके चक्कर में लेट हो गए हैं, आधा घंटा ज़्यादा पौना घंटा के चक्कर में लेट हुए हैं। तो चलो अभी यहाँ से हम निकलेंगे, इनके चक्कर में लेट हुए हैं हम उसके हम निकलेंगे अभी यहाँ से। तो अभी यहाँ से ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटे का रास्ता है, तो वहाँ पहुँचे हम आपको बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। और आप मेरे ब्लॉग्स देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, और 10,000 सब्सक्राइबर्स मेरे होने वाले हैं, तो थैंक यू सो मच। तो आपको ब्लॉग ही कंटिन्यू रखूँगा मैं इसके बाद, और मेरे इसकी 3-4 वीडियोज़ 5 वीडियोज़ आएंगे, आप देखना ज़रूर, ठीक है। तो अभी भाई भी तिल भरा रहा है, तो अभी हम चलते हैं और भाई की गाड़ी लेके जा रहे हैं हम आज, i20। अपनी गाड़ी में एक सीन हो गया था कि फास्टैग का सीन हो गया था पेटीएम का, तो इसलिए इसी गाड़ी में लगा हुआ था, इसलिए हम इसी गाड़ी लेके जा रहे हैं। हो गया, तो ये है भाई प्राशु। प्राशु भाई हेलो कर दे। हेलो चलो गाइस मिलते हैं आपको, हम अभी ड्राइव कर रहे हैं, मिलते हैं, चलो बाय बाय। मौसम भी काफी अच्छा हो रहा है गाइस, बाहर का भी गाड़ी बढ़िया है, बस तेरी ऑटोमेटिक चला रहा हूँ भाई, ऑटोमेटिक मैंने इतना चलाई नहीं मैंने कभी भी, ऑटोमेटिक चला रहा हूँ गाड़ी, बढ़िया गाड़ी है, और क्रूज कंट्रोल ऑन करके ना भाई यहाँ से पता है मैं दूसरी बार आ रहा हूँ यमुना एक्सप्रेस से, कभी नहीं आया मैं, हमेशा ग्रेटर नोएडा 500 साल वहाँ निकल जाता हूँ, दिल्ली तक निकल जाता हूँ, इस तरह आता ही नहीं मैं, अपना घर भी यहाँ से आता ही नहीं है, फिर हाईवे से आता है मुरादाबाद से होते हुए, यहाँ से आता ही नहीं है। सर लोग जब भी यमुना एक्सप्रेस वे बोलते हैं ना, तो मेरे को हमेशा याद आता है कि वही जब यहाँ पे 3-4 साल पहले मतलब काफ़ी सारे एक्सीडेंट हुए थे, काफ़ी सारी गाड़ियाँ मतलब 250 गाड़ियाँ थी आई थिंक, तो मतलब सब गाड़ियाँ एक्सीडेंट हुए थे और धुंध में, क्योंकि धुंध तो होनी जरूरी है, धुंध तो होगी ही होगी, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो पूरे पेड़ ही पेड़ है हर जगह, तो यहाँ तो धुंध होनी ही होनी है, तो जगह तो काफ़ी खुली है, यहाँ पे लोग ओवर स्पीडिंग काफ़ी करते हैं, तो वो चीज़ गलत है, तो डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव गाइस। चलो गाइस मिलते हैं आपको, अभी हम क्या कर रहे हैं आगे हम जाएंगे आपको बताऊंगा वीडियो में, शायद अभी हम चाय के लिए रुकेंगे, वैसे ही मिलते हैं। अभी हम रास्ते में ऑलमोस्ट, अभी यहाँ से 1.5 घंटा लगेगा, अभी रास्ते में ही है, तो अभी चाय के रुकेंगे हम, चाय पियेंगे, इसके बाद हम सीधा निकलेंगे, अपनी जगह पहुँचेंगे, वहाँ का बताऊँगा कहाँ पहुँच रहे हैं, अभी तक मैंने रिव्यू नहीं किया इसमें से कहाँ जा रहा हूँ, बट रिव्यू करूँगा, अपनी वीडियोज़ देखिए, और मुझे पता है कि मेरे आप 10,000 सब्सक्राइबर्स भी जल्दी जल्दी कर दोगे, और लेकिन मेरा टारगेट 1 लाख सब्सक्राइबर्स है, और फिलहाल अभी भाई गाइस आ रहा हूँ, मज़ा आ रहा है भाई गाइस आने में, गाड़ी दमदार है भाई, प्राशु तेरी मजा आ गया, देखो भाई ये देखो, ये देखो गाड़ी चल रही है भाई तो बोल दे भाई एक बार, भाई ये इनोवा के बारे में बता रहा है, इनोवा मतलब कैसी है, कंफर्ट के दोस्त ने बताई है कौन सी गाड़ी है, वेरी गुड वेरी गुड, एक बार कर दे वही वाला कर दे, एक बार कर दे
अरे दिख रहा है भाई, देखो दिख रहा है, आगे देख के चला भाई। गाइस इन्होंने अभी, इसने अभी जो बोला है ना भाई, मेरा दोस्त गाड़ी लेके आ रहा है। ओए होए क्या गाड़ी है भाई, ओए होए आगे देखा, चश्मा के आगे ऊपर अपनी आंखें आ गई थी ब्रशों की। यहाँ पे लोग ओवर स्पीडिंग बहुत करते हैं भाई। आपको ये गाड़ी कैसी लगती है, स्कॉर्पियो एन, ये बताना मेरे को। तो ये मतलब सही लगती है गाड़ी, बट ये थोड़ी सी ना विड्थ में है, विड्थ में इसकी मार खा जाती है, हाइट काफी बड़ी है, ब्रॉड नहीं है, नैरो है गाड़ी। बढ़िया है वैसे गाड़ी तो, ये भी बढ़िया है भाई, अच्छी खासी है। तू देख रहा है जो आगे गाड़ी आ रही है, नहीं कौन सी गाड़ी है, एल्टो, ये और दोनों सेम ही लग रही है पीछे से, है ना मेरी वाली और ये सेम ही लग रही है। हाँ सेम ही लग रही है इस वाले का ना। मौसम भी काफी अच्छा हो रहा है यार, बढ़िया एकदम चकाचक। चाय कहाँ अच्छी मिलती है भाई यहाँ पर आशु भाई, चाय बता, मिलेगी ना। तो अभी चाय के रुकेंगे गाइस, अभी चाय पियेंगे, इसके बाद आपको मिलते हैं हम, ठीक है। प्रियंका तूने बेसन लगा के ना पूरे मुंह पे वो कर दिया, जली जली से, जली जली से लग रहा है पूरा मुंह। यहाँ बन रहा है जेवर एयरपोर्ट, क्या बन रहा भाई यहाँ बन रहा, मतलब हमारे घर से इतना दूर पड़ेगा क्या जेवर एयरपोर्ट, काम शुरू हो चुका है। मतलब ज्यादा, मतलब जितना अगर गवर्नमेंट ने लैंड ऑक्यूपाई कर ली है, काफी कर ली है ना, लेकिन अगर हम जैसे वहां जाते हैं जो दिल्ली वाला एयरपोर्ट है, दिल्ली वाला उतना तो नहीं है, इतना दूर नोएडा से इतना दूर तो पड़ेगा नहीं है, ये पास पड़ेगा ना, आई थिंक सो, है ना ये पास पड़ेगा। सारी है इंटरनेशनल फ्लाइट है, यहाँ से सारी फ्लाइट है, आपको पता है जापान कोरिया यहाँ पे अपना लैंड ले रही है, जापान कोरिया पे लैंड ले रही है यहाँ पे, अब एयरपोर्ट के पास में यहीं पर कंपनी खोलेंगे अपनी सारी, पता है। और अगर हम खोल ले तो हमें दिखा दो काम चल रहा है पूरा, सीधा जो यहीं से इंटरकनेक्टिंग हो जाएगा, पता आप चलोगे। और जगह देख रहे तू, इतनी जगह है ना भाई, वो उधर तक देखे ना, उधर तक वहां तक जगह भाई, नोएडा पूरा खाली पड़ा था भाई, अब जाके हो रहा है इसमें काम। बस डर गया भाई, आवाज कहां से आ गई थी, यो आवाज कहाँ से आ गई, ये स्पोर्ट्स आवाज कहाँ से आ गई गाड़ी की। तू देख रही कितनी जमीन है भाई, दूर दूर तक नोएडा, नोएडा भाई पूरा कर दिया ये, पूरा सर्वे कर दिया उन्होंने गवर्नमेंट ने। अब यहाँ बनेंगे बिल्डिंग, कंपनी सारी कंपनी आएंगे यहाँ पे, जिसकी लैंड थी ना यहाँ पर उसको, जहाँ पे अगर एक चीज बता, जहाँ पे अगर एयरपोर्ट आएगा वहाँ पे होटल खुलेंगे, इसके बाद अपना पार्किंग ये सब चीजें हैं, दुकाने ये सब 24/7 ये सब आएंगी, मैकडॉनल्ड्स सब भी खुलेंगे, फिर चाय की टपरी भारी बोला आएंगे, आएंगे सारी सारी अपनी रेडी लेके सारी की सारी। चलो भाई मिलते हैं अभी आपको हम, चाहिए चाय के बाद, हम चाय पियेंगे अभी, सुबह भी हो गई है, टाइम कितना हो गया भाई, 7:30 हो गए। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं, अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी है, और अभी पहुंच चुके हैं अपना यहाँ पे चाय पीने के लिए। अभी यहाँ से अभी ऑलमोस्ट 1 घंटे का रास्ता है, तो अभी गए हुए हैं, तो अभी देखते हैं चाय पियेंगे फिर चलते हैं। तो मैं पकड़ता हूँ कैमरा, ओहो ये है, आज प्रियंका ने ये ड्रेस पहनी हुई है, बोलना नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, ये रिवील है, लॉक है। प्राशिस में गया क्या, राशु है कहाँ, अंदर तो अंदर ला गया, अंदर तो नहीं है, हाँ हो रहा हो रहा, कुछ नहीं भाई चाय पीऊंगा मैं, चाय पीऊंगा खाली। प्रियंका कॉफी के साथ सैंडविच ले लेगी, एक थोड़ा वो सैंडविच ले लेगी ना, नहीं नहीं तो पर मैं तो अभी भाग आ रहा हूँ, यहाँ पे इतनी भीड़ आ रखी है गाइस, देख लो इतनी भीड़।
और यहाँ पे भीड़ देख लो कितनी भीड़ है भाई। अब तो हम कहाँ जा रहे हैं ये देखो, पूरी भीड़ ही भीड़ आ रखी है भाई जगह पे।